नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, बचपन में एक सुंदर सी कहानी हम सब सुनते आ रहे हैं, और वो कहानी ये कि एक राहगीर चला जा रहा था, थका, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, सोचता है कि बहुत प्यास लगी है, काश पानी की व्यवस्था हो जाती, पानी उसके पास आ जाता है। भूख लगी थी, काश कोई भोजन की व्यवस्था हो जाती, भोजन की व्यवस्था हो जाती है, लगता है भोजन कर लिया, अब चारपाई भी आ जाए, चारपाई की व्यवस्था हो जाती है। जब सो ही रहा होता है तो लगता है, अरे मेरी सब कामनाएं कैसे पूरी हो रही हैं, कहीं इस पेड़ के ऊपर कोई भूत तो नहीं है जो आके मुझे खा जाए, क्या हुआ हम जानते हैं। विचार से हम निर्मित करते हैं अपने जीवन को, विचारों से हम अच्छी या बुरी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए सुंदर सुवाक्य से हम शुरुआत करते हैं सबरंग की, और आज का सुवाक्य भी कुछ इससे ही जुड़ा हुआ है, आइए सुनते हैं। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, गौतम बुद्ध। साथियों, हम कहते हैं कि विचार अपने आप आता है और उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन संकल्प बनाया भी जा सकता है और विकसित किया भी जा सकता है, और इसी में हमारा बेहतर भविष्य निहित है। जब मैं यह सोचना शुरू करता हूँ कि मैं एक सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो सकारात्मक विचारों की एक श्रृंखला चलती है और मैं सफलता का सितारा बन जाता हूँ। मित्रों, एक दौर था जब अच्छे संस्कार, अच्छा जीवन, इसे बहुत ही ऊंच माना जाता था, ये व्यक्ति की पर्सनालिटी हुआ करते थे। लेकिन आजकल अपने जीवन में यदि हम देखें तो उच्च जीवन आदर्शों में कई ऐसी चीज़ें शामिल हो गई हैं जो वास्तव में बहुत हानिकारक हैं। कल ही हमने अल्कोहल की बात की थी, साथ ही धूम्रपान, गुटखा, इस प्रकार की आदतों को भी आज अपने जीवन में शामिल कर लिया गया है, और साथ ही ये माना जाता है कि ये तो हमारी शान को और बढ़ाता है। शान को भले बढ़ाए लेकिन जीवन को तबाह करता है, हमारे शरीर को भी और साथ ही संबंधों को भी। इसीलिए आज हम एक दूसरी बात लेकर आए हैं, आपकी सेहत आपके हाथ में, धूम्रपान। धूम्रपान करने वाले हमेशा ही देखते हैं, सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी उसे पीते हैं। किस प्रकार ये हमारे शरीर को नष्ट करता है, आइए आज जानते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप जानते हैं स्मोकिंग या धूम्रपान हमारे जीवन को कितना नुकसान पहुंचाता है। लगभग 80 प्रकार के कैंसर्स इसी कारण से होते हैं। धूम्रपान ना खाली हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न करता है, बल्कि धूम्रपान करने वालों को हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी, जिसे एंजाइना और हार्ट अटैक कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जितना अधिक हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, सबसे प्रेम रखते हैं, तो उतना अधिक ये मात्रा में हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड नाम गैस निकलती रहती है, जिसके कारण से जो खून चिपक नहीं सकता ब्लड की अंदर की लाइनिंग को, उसमें से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो क्रॉस नहीं कर सकता, जो सेल्स होती है मैक्रोफाजेस वो क्रॉस नहीं कर सकती, और हमारी आर्टरीज ब्लॉक नहीं हो सकती हैं, वो रिलैक्स रहती हैं, साफ सुथरी रहती हैं। क्योंकि तो अगर हम एक सिगरेट पीते हैं, एक सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, लगभग 35 मिनट के लिए हमारी जो एंडोथीलियम ख़राब हो जाती है, वो गैस बननी बंद हो जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज नाम का एंजाइम वो उसकी एक्टिविटी ख़राब हो जाती है, और फिर उतनी देर के लिए हमारी बॉडी में और जो हमारी आर्टरीज हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की मूवमेंट शुरू हो जाती है, अर्थात जो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो ब्लड के अंदर होती है, वो आर्टरी की दीवार में जाना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल अगर हम पीते हैं तो अगर हम 10 सिगरेट पीते हैं, 10 बीड़ी पीते हैं, तो लगभग 350 मिनट के लगभग आसपास आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती रहेंगी इतनी देर। तो याद रखें, 20 पीते हैं तो 700 मिनट दिन में आर्टरीज हमारी ब्लॉक हो, ये आदत फिर पड़ जाती है, धीरे धीरे सिगरेट या बीड़ी पीने की आदत बढ़ती जाती है। तंबाकू किसी रूप में आप खाएं, पिए या खाएं, या आप मंजन के रूप में यूज़ करते हैं, या गुटखा पान मसाला यूज़ करते हैं, तो ये जो है ये सारे सभी फॉर्म्स में तंबाकू डेंजरस है। तो हमारे हार्ट की बीमारी जो एक बहुत बड़ी समस्या है, नंबर 1 किलर है वर्ल्ड में, हर 100 डेथ होती हैं
मतलब कहीं भी 30% डेथ्स जो होती हैं वो 100 में से 30 डेथ वो हार्ट अटैक के कारण होती हैं या स्ट्रोक के कारण होती है। स्ट्रोक भी पक्षाघात होना इसका बहुत बड़ा कारण हो जाता है। दोस्तों, अगर हार्ट अटैक से बचना है, स्ट्रोक से बचना है और कैंसर से बचना है और भी बहुत सारी समस्याएं, पेट की भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अगर आपको इन सब समस्याओं से बचना चाहते हैं, याद रखें अपने जीवन में कभी भी तंबाकू को किसी भी रूप में एंटर ना करने दें। इससे बचें और दूसरों को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और एक स्वस्थ और खुशनुमा जीवन बिताएं। ओम शांति। हमारे अंदर जो एक सुंदर भक्ति भावना या ईश्वर की स्तुति, ईश्वर के ध्यान की जो संस्कृति है, वो भी हमें इन बुरी आदतों से मुक्त करती है। और यही कारण है कि हम आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगमों की दर्शन करा रहे हैं, ताकि सुंदर वहाँ के दर्शन से और अपनी संस्कृति के ध्यान से, ज्ञान से हम अपनी महानता को पहचान सकें। आइए आज चलते हैं रामेश्वरम, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी और उसे भी पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में माना और पूजा जाता है। आइए चलते हैं। रामेश्वरम हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य तमिलनाडु में पांबन द्वीप पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंवदंती कहती है कि राम ने लंका जाने से पहले इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की, ताकि रावण को मारने की शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। हमने देखा है कि रावण उन पांच विकारों का प्रतीक है जो मानव आत्मा को प्रभावित करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने हजारों वर्षों से मनुष्य के लिए समस्याएं खड़ी की हैं। द्वापर युग में पांच विकारों ने अपना अपना खेल चालू किए और कलयुग के अंत में हम पर पूरी तरह से हावी हो गए। शिव परमात्मा कहते हैं कि फिर से शक्तिशाली बनने का एक ही तरीका है, उनके दिव्य ज्ञान को रोज सुने और उन्हें उनके मूल प्रकाश बिंदु रूप में याद करें। यह दिखाया गया है कि राम स्वयं एक देवता थे और इसके बावजूद उन्हें शिव की पूजा करनी पड़ी। इससे पता चलता है कि शिव परमात्मा है, उनका कद सभी देवताओं से ऊपर है। हम में से हर कोई एक आत्मा है जो हमारे पहले जन्म में एक देवता की तरह रहती थी। जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरने के बाद हम मनुष्य बन गए हैं और फिर से देवता बनने का एकमात्र तरीका शिव परमात्मा को उनके मूल बिंदु रूप में याद करना है। आइए शिव से फिर से जुड़ें और इस शिवरात्रि को हमेशा के लिए यादगार बना दें। सागर के तट पर स्थित सुंदर रामेश्वरम, सचमुच मन कितना आनंद विभोर हो जाता है इन सुंदर पवित्र स्थलों को देखकर। यदि मन में भी ईश्वर बस जाएं, तो यही आनंद जो उस दर्शन से प्राप्त होता है सतत हमें प्राप्त होता रहे। और इसके लिए ईश्वर को सत्य रूप में जानना, पहचानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ही लगातार हम शिव संदेश में परमात्मा शिव से जुड़े हुए सुंदर गुह्य रहस्यों को जानते सुनते आ रहे हैं। आइए आज भी सुनते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी से। ओम शांति। महाशिवरात्रि शिव बाबा की याद में मनाई जाती है, और याद भी उसको हम इसलिए करते हैं कि वे स्वयं धरा पर आकर सभी मनुष्यात्माओं का कल्याण करते हैं। वे सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, देह से न्यारे हैं, न उनको सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, इसलिए उनको निराकार कार कहा जाता है। देखिए, इस संसार में तीन तरह की ये सृष्टि है, निराकार आत्माओं की और परमात्मा की, दूसरा है सूक्ष्म शरीर धारी ब्रह्मा विष्णु शंकर और फरिश्तों की,
और तीसरी है स्थूल शरीर धारण किए हुए मनुष्य आत्माओं की। वो निराकार है, मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने के लिए, उनकी जन्म जन्म की भक्ति का फल देने के लिए, उनके प्यार का रिटर्न देने के लिए वो कलयुग के अंत में इस धरा पर आते हैं। उनके गुणों की बहुत सारी महिमा सभी करते आए हैं। वो ज्ञान के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, पतित पावन हैं, सर्वशक्तिवान हैं, दुख हरता हैं, सबके कल्याणकारी हैं, पाप कटेश्वर हैं, मुक्तेश्वर हैं, हजार नाम हैं शिव के, सारे गुणवाचक नाम हैं। तो किसी भी सत्ता की महिमा तब तक नहीं होती जब तक उसने वे महान कार्य न किए हों। शिव संदेश में ईश्वर के सत्य स्वरूप को और उनके कर्तव्यों को जानकर सचमुच मन बुद्धि कितना प्रफुल्लित हो रहा है, और हम सब जानते चल रहे हैं कि कैसे हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को जानना हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही प्रेरित करता है, सबको सुख देने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है जिन कर्मों के माध्यम से सभी का कल्याण हो। और यही कार्य ब्रह्मा कुमारी इसके भाई बहने भी कर रहे हैं, अपने जीवन को तो श्रेष्ठ बना ही रहे हैं लेकिन श्रेष्ठ कर्म करते हुए औरों को भी श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। कैसी सुंदर सेवाएं हो रही हैं, आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। Responsibility of interfaith leaders for harmony and emotional integration for establishing golden era विषय पर ऑनलाइन डायलॉग का आयोजन गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर द्वारा किया गया। वर्तमान समय सभी का प्रश्न है कि अगर सबका मालिक एक है फिर आज इतनी भिन्नता, इतना मतभेद क्यों है? धर्म नेताओं की आज के समय में क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए? ऐसे अनेक विषयों पर चिंतन करने के लिए यह सेशन रखा गया। इस सेशन में नई दिल्ली से रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी शांत आत्मानंद जी, गुरुद्वारा बंगला साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी रंजीत सिंह, यहूदी समुदाय के प्रमुख रब्बी इज़ेकिल इसाक मालेकर, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी के निदेशिका बीके आशा, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संयोजक बीके चाल समेत कई दिग्गज धर्म गुरुओं ने पार्टिसिपेट किया। ऑनलाइन डायलॉग में सभी धर्म गुरुओं ने अपने विचार रखे, जिसमें स्वामी शांत आत्मानंद जी ने समाज में समरसता लाने के लिए सबका सम्मान करने की आवश्यकता पर बात कही। हम सब इकट्ठे मिलके इतना तक हम लोग निर्णय ले लें, वी विल नॉट बी द कॉज फॉर एनी डिसहार्मनी। ये सुझाव है कि एक तो इस तरह के हमारे कार्यक्रम जिसमें धर्म गुरु एक दूसरे के साथ संवाद करें। वहीं संस्था के सदस्यों ने अपने विचारों में वैश्विक एकता के लिए आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने की आवश्यकता एवं वर्तमान समय में धर्म सत्ता के मूल आधार पर चर्चा की। हम अपने चिंतन की क्वालिटी पर जरूर विचार करें, यदि नकारात्मक सोच रहे हैं तो नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार, यदि व्यर्थ सोच रहे हैं तो व्यर्थ चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हम अपने जीवन को, अपने परिवार को कैसा देखना चाहते हैं, मैं अंत में अपने आप को कैसा जाकर देखना चाहूँगा, आज कैसा देखना चाहूँगा, क्यों ना हम गहराई से इस पर विचार करें, और जैसा देखना चाहूँगा वैसे ही विचारों का मैं अपने अंदर निर्माण करूँ। तो आज अपने विचारों पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा, श्रेष्ठ सुंदर विचारों की ही रचना कीजिएगा, और देखिएगा कि कैसे अच्छाइयाँ ही आपके नज़दीक आती चलती हैं। तो आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता चले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।